हाय दोस्तों, मेरा नाम सोहन सिंह है और अब मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ। आप YouTube के अलावा अब अन अकेडमी पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैं अन अकेडमी के लिए अब जनरल स्टडी, GK और चाइल्ड वेलफेयर पेडागॉजी के और इसके अलावा हरियाणा से संबंधित लेक्चर वहाँ पर बनाऊंगा। आप मुझको अन अकेडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। अन अकेडमी की आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सब्सक्राइब करें करियर अकेडमी अंबाला के YouTube चैनल को और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को। फिर आता है हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटें। हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटें जो हैं अनुसूचित जाति की आती हैं। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व हैं, यानी शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व होती हैं। एक ही आधार आएगा रिजर्वेशन का सिंगल, वो है SC सीटें रिजर्व हैं। 90 सीटों में से 17 सीटें, यानी 90 सीटों में से 17 सीटें जो हैं शेड्यूल कास्ट की रिजर्व आती हैं, 17 आएंगी। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीटें रिजर्व की गई हैं हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा की सीटें। फिर क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की संख्या, हरियाणा में वर्तमान में महिलाओं की संख्या, जो महिला MLA आती हैं तो कुल वर्तमान में 11 MLA 11 आएंगी। महिला MLA की संख्या जो है 11 आती है, यानी 11 महिला MLA चुनकर विधानसभा में पहुंची हैं। फिर आता है लोकसभा से संबंधित, कुछ क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा में वर्तमान में कुल 10 सीटें आती हैं लोकसभा की, यानी अगर हम देखें हरियाणा से जो संसद के लिए कुल 10 सीटें आती हैं, 10 सीटें, यानी लोकसभा, लोकसभा के लिए 10 सीटें हरियाणा भेजता है और राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए हरियाणा से 5 सीटें जाती हैं। तो टोटल संसद में 15 सीटें, अगर हम देखें संसद के लिए हरियाणा से 15 सीटें जाती हैं, 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। इन 10 सीटों में से 2 शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है, यानी 10 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। एक आएगी अंबाला सीट और एक आएगी सिरसा सीट। अंबाला और सिरसा 2 सीटें आती हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं लोकसभा की सीटों में से, जबकि राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं होती। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता सीटों का, SC ST OBC किसी प्रकार की कोई सीटें रिजर्व नहीं होती। सिर्फ रिजर्वेशन आएगी SC की, वो आएगी लोकसभा के लिए। 2 सीटें हरियाणा से रिजर्व आती हैं, अंबाला और सिरसा। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा जन्म के समय, यानी 1966 में हरियाणा में कितनी सीटें थी लोकसभा की। तो लोकसभा की 9 सीटें थी उस समय, यानी 1966 में 9 सीटें हरियाणा से थी। दसवीं सीट 1970 में, याद रखना है आपको, जो दसवीं सीट आई है वो 1970 में ऐड की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस साल में ऐड की गई, तो साल आएगा 1970, जिस साल दसवीं लोकसभा सीट को ऐड किया गया था। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी सीट थी जो दसवीं थी, सबसे बाद में ऐड की गई। दसवीं लोकसभा सीट जो है ये सोनीपत थी, यानी सोनीपत की सीट को 1970 में बनाया गया, 1977 में सोनीपत को दसवीं सीट के रूप में बनाया गया और तब से वर्तमान में 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में हैं, 5 राज्यसभा की हैं। राज्यसभा की सीटों का चुनाव विधानसभा से होता है, यानी राज्यसभा के MP जो हैं वो विधानसभा से चुनके जाते हैं। यानी हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ विधानसभा से 90 MLA, जो 90 MLA हैं वो जो हैं 5 MP का चुनाव करते हैं। 90 MLA 5 MP का चुनाव करते हैं। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें संख्या बल के आधार पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है पार्टियों को। तो 90 MLA 5 राज्यसभा MP का चुनाव करते हैं। ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी याद रखना है आपको, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनडायरेक्ट, जबकि लोकसभा के डायरेक्ट चुनाव होते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कह देते हैं। लोकसभा के MP के चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनके जाते हैं, लोकसभा के चुनावों में उनका होता है, जबकि राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल बाद होते हैं,
यानी हर दो साल बाद राज्यसभा के एमपी के चुनाव होते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव 5 साल में आते हैं। यानी लोकसभा के चुनाव आपको पता है 5 साल में आते हैं, राज्यसभा का याद रखना है हर 2 साल में 1/3, यहां पर 1/3 का चुनाव होता है राज्यसभा में। तो इस कारण जो है 2 साल में सीटें रोटेट होती हैं, रिवाइज की जाती हैं, जबकि लोकसभा में 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं एरिया वाइज, सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र जो है सिरसा सीट आती है। सिरसा सीट सबसे बड़ी हमारी लोकसभा की सीट है क्षेत्रफल के आधार पर, उसमें फतेहाबाद भी शामिल होता है। सिरसा सीट सबसे बड़ी आती है। सबसे छोटी सीट में, सबसे छोटी लोकसभा सीट आएगी फरीदाबाद। फरीदाबाद की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फरीदाबाद की सीट क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट आती है। टोटल हमारे हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की आपने देखी ली हैं। तो ये हमने देखा लोकसभा के बारे में। विधानसभा क्षेत्र यानी हरियाणा में आपको पता है विधानसभा क्षेत्र, मैंने पहले बताया 90 सीटें आती हैं जो निर्वाचन से आती हैं, यानी इलेक्शन से चुनकर आने के लिए 90 क्षेत्र बनाए गए हैं, इनको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इनको आमतौर पर इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है और हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो इनका निर्धारण आमतौर पर ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। विधानसभा क्षेत्रों का या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग, ये भारत सरकार इसको बनाती है परिसीमन आयोग को। तो परिसीमन आयोग जो है राज्य की विधानसभा क्षेत्रों को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को निर्धारित करता है, आमतौर पर 10 साल के बाद करता है। अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों को निर्धारित किया है। तो हरियाणा में 1966 में बताया मैंने 54 सीटें थी, 1967 में 81 सीटें हुई और 1977 में 90 सीटें हो गई। यानी वर्तमान में 90 सीटें हुई, 66 में 54 थी, 67 में 81 हुई और 77 में 90 सीटें हुई। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि विधानसभा, जो विधानसभा में चुनकर जाते हैं उनको हम MLA कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हिंदी में कहते हैं विधायक। तो विधायक जो है MLA कहे जाते हैं। ये चंडीगढ़ में विधानसभा में बैठते हैं। चंडीगढ़ में आपको पता है हरियाणा की विधानसभा आती है, पंजाब की विधानसभा भी वही है, हरियाणा की विधानसभा भी वही है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हम विधानसभा को कहते हैं। विधायक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष आती है, यानी एक MLA मिनिमम 25 ईयर्स, 25 साल का होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी भारत में वोटिंग आयु आपको पता है 18 वर्ष है, वोटिंग आयु 18 वर्ष है, जबकि MLA के चुनाव के लिए उम्मीदवार को मिनिमम 25 साल का होना जरूरी होता है। अगर हम पंचायतों की बात देखें दूसरी तरफ, पंचायतों में 21 वर्ष, दो क्वेश्चन आते हैं पंचायतों में सरपंच पंच की न्यूनतम आयु, तो 21 वर्ष आएगी। इसके अलावा नगर पालिका नगर निगम में जो पार्षद होते हैं उनकी न्यूनतम आयु, तो पार्षदों की भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, सरपंच पंच की भी 21 वर्ष होती है। विधानसभा विधायक की विधानसभा में चुनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है और राज्यों की विधानसभा की भी 25 वर्ष होती है, याद रखना है आपको। तो विधायक जो है मिनिमम 25 वर्ष की आयु रखते हैं, अधिकतम आयु नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि विधायकों की अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है संविधान में। फिर क्वेश्चन आता है कितनी बार एक विधायक कितनी बार चुन के जाता है, तो विधायक के चुनने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, कितनी बार चुन के आ सकता है, 5-6 बार वो चुन के जा सकता है। तो विधायक जो है MLA होते हैं, मैंने आपको बताया 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब क्वेश्चन आएंगे आपको कि मुख्य मुख्य विधानसभा क्षेत्र कहाँ हैं, जैसे रतिया विधानसभा क्षेत्र जो है फतेहाबाद में आता है। अब मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, रतिया आएगा फतेहाबाद में, रानिया, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, रतिया फतेहाबाद है और रानिया विधानसभा क्षेत्र, रानिया क्षेत्र भी है। रानिया जो आएगा वो आएगा सिरसा में, रानिया सिरसा में है, रतिया फतेहाबाद में है। फिर क्वेश्चन आएगा पुनहाना विधानसभा क्षेत्र आता है नू में, पुनहाना विधानसभा क्षेत्र आएगा नू में। फिर क्वेश्चन आएगा फिरोजपुर झिरका,
फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र 9 में आता है। क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो तीन तरफ से राजस्थान से घिरा है, तो फिरोजपुर झिरका 9 में ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो तीन तरफ से, थ्री साइड से राजस्थान से घिरा हुआ है। तो फिरोजपुर झिरका और पुनहाना, ये दोनों क्षेत्र जो हैं 9 के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। फिर आता है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी जो है महेंद्रगढ़ की विधानसभा क्षेत्र है। नांगल चौधरी ये भी दक्षिणी सीट आती है महेंद्रगढ़ की और राजस्थान से जुड़ी हुई है नांगल चौधरी। फिर आता है तिगांव। तिगांव विधानसभा क्षेत्र, तिगांव विधानसभा क्षेत्र जो है फरीदाबाद में आता है। तिगांव, तिगांव आएगा फरीदाबाद में। बड़ौदा, बड़ौदा विधानसभा सीट आती है जींद में। बड़ौदा सीट आएगी, जींद की विधानसभा क्षेत्र है बड़ौदा। फिर आता है नलवा विधानसभा क्षेत्र। नलवा विधानसभा क्षेत्र हिसार में आता है। नलवा विधानसभा क्षेत्र हिसार। नारनौंद, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र भी हिसार आएगा। नलवा नारनौंद दोनों आते हैं हिसार में। फिर आता है नारनौल। नारनौल आपको पता है महेंद्रगढ़ में नारनौल की सीट आती है। आदमपुर, आदमपुर सीट हिसार की आती है। आदमपुर सीट, आदमपुर आएगी हिसार में विधानसभा क्षेत्र। फिर आता है नारायणगढ़। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंबाला की सीट आती है। नारायणगढ़ सीट जो है अंबाला में विधानसभा क्षेत्र। प्रिथला विधानसभा क्षेत्र, प्रिथला विधानसभा क्षेत्र जो है फरीदाबाद में आता है। फिर क्वेश्चन आएगा हरियाणा में सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे। बड़े विधानसभा क्षेत्र दो आते हैं, एक तो एलनाबाद सिरसा में आएगा और दूसरा आएगा लोहारू। एलनाबाद सिरसा और लोहारू भिवानी, तो ये दो सीटें जो हैं क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ी हैं। एलनाबाद सिरसा और लोहारू आएगा भिवानी में। फिर क्वेश्चन आएगा कि छोटी सीट में, विधानसभा के क्षेत्र में अगर सबसे छोटी सीट देखते हैं तो आएगी फरीदाबाद। फरीदाबाद और पानीपत सीट, दो सीटें बताऊंगा यहाँ भी क्योंकि एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट नहीं पता चलता इसमें। फरीदाबाद और पानीपत दो सीटें ऐसी हैं जो क्षेत्रफल में छोटी आती हैं। तो बड़ी में एलनाबाद और लोहारू, छोटी में फरीदाबाद और पानीपत सिटी। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है चरखी दादरी में आएगा। बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र आएगा चरखी दादरी में। फिर आएगी मुलाना विधानसभा क्षेत्र। मुलाना विधानसभा क्षेत्र जो है अंबाला में आती है। मुलाना विधानसभा क्षेत्र। सढ़ोरा विधानसभा क्षेत्र, सढ़ोरा विधानसभा क्षेत्र आएगा यमुनानगर में। सढ़ोरा आएगा यमुनानगर में। बादशाहपुर, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है राव नरवीर सिंह का है और गुरुग्राम यानी गुड़गांव में आता है। बादशाहपुर सीट आती है गुरुग्राम में और यहाँ से राव नरवीर सिंह जो है चुनकर जाते हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र, अटेली विधानसभा क्षेत्र आएगा महेंद्रगढ़ में। अटेली विधानसभा क्षेत्र आएगा महेंद्रगढ़। कोसली, कोसली विधानसभा क्षेत्र, कोसली आएगा रेवाड़ी में। कोसली विधानसभा क्षेत्र आता है रेवाड़ी में। फिर आएगा बादली विधानसभा क्षेत्र, बादली विधानसभा क्षेत्र आता है झज्जर में। बादली और बेरी दोनों आ सकते हैं झज्जर में, बादली और बेरी। फिर आता है जुलाना सीट। जुलाना विधानसभा क्षेत्र है ये जींद में आएगा, जींद का जुलाना विधानसभा क्षेत्र। फिर आती है बावल विधानसभा क्षेत्र। बावल विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी में आएगी। बावल विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी। लाडवा सीट, लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र आती है, लाडवा सीट आ गई। जगाधरी सीट यमुनानगर की है, जगाधरी यमुनानगर में आता है, जगाधरी सीट आ जाएगी। कालका सीट आपको पता है पंचकुला में है। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र याद रखना है आपको पंचकुला आएगा और चरखी दादरी। पंचकुला और चरखी दादरी में दो दो विधानसभा क्षेत्र हैं। चरखी दादरी में भी दो सीटें हैं, एक दादरी की आती है और एक बाडड़ा की सीट आती है। और पंचकुला में आएगी कालका और पंचकुला, दो सीटें हैं कालका और पंचकुला की, ये भी दो दो सीटें हैं, दो कम सीटों में आती हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हिसार में थे, हिसार में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र, तोशाम का आता है भिवानी। लोहारू और तोशाम दोनों विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये भिवानी जिले में आते हैं। फिर आता है गढ़ी सांपला।
गढ़ी सांपला या किलोई, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र ये रोहतक में आएगा। गढ़ी सांपला और जिसे कह देते हैं किलोई सीट, ये रोहतक की विधानसभा क्षेत्र आता है। इसराना विधानसभा क्षेत्र, इसराना विधानसभा क्षेत्र आएगा पानीपत में, इसराना आएगा पानीपत में। असंध, असंध विधानसभा क्षेत्र और इंद्री दो आते हैं, असंध और इंद्री विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये करनाल में आते हैं। असंध और इंद्री विधानसभा क्षेत्र आएंगे करनाल में। शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आएगा, शाहबाद मारकंडा क्षेत्र। फिर आता है टोहाना विधानसभा क्षेत्र, टोहाना विधानसभा क्षेत्र जो है फतेहाबाद जिले में आता है, टोहाना विधानसभा क्षेत्र। फिर आता है कालांवाली, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र जो है सिरसा में आता है, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र आएगा सिरसा में। तो इस लेक्चर में मैंने आपको मुख्य मुख्य विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताई। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें करियर अकेडमी अंबाला के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को।